अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं हूं शाविस, मोहम्मद इनायत। सॉरी बोलना होता है, बोल तू, मैं सॉरी है। ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक ट्रेलर के ऊपर। इट्स कॉल्ड धूप की दीवार। एक वेब सीरीज है जो कि C5 में आई है, लेकिन इट्स अ पाकिस्तानी वेब सीरीज। अच्छा, जिसमें है साजल अली। सजल अली आफरा जी ने कितना सिखाया था हमको। आई एम सॉरी, आफरा दिख ही नहीं रही है ना, कमेंट ही नहीं आ रहा होंगे आजकल। कहाँ हो आफरा? बड़े लोग लास्ट उनका कमेंट आया था कि मैं बहुत बिजी हो गई हूँ और आपकी वीडियोस बिंज वॉच करूँगी बोल। हाँ, बिंज वॉच करूँगी करके। क्या कर रहा था मैं? ओके सॉरी, सो नहीं कर लो भाई नहीं हम बैठे कर लो भाई नहीं नहीं बैठे बैठ लो नहीं करना है मुझे, मैं कुछ और कर रहा था, मैं यहाँ कर लूँगा। धूप की दीवार, इट्स रिलेटेड टू दिस ओनली, डोंट वरी। सॉरी गाइज, सजल अली ने किया है। सॉरी गाइज, अंटिल देन आई विल रीड दिस। टू नेशंस, टू ग्रीविंग सोल्स, वन ब्यूटिफुल स्टोरी। प्रीमियर्स ऑन 25 जून, ओनली ऑन Z5। अच्छा, आ चुकी है क्या? आ चुकी है, Z5 में है ये ऑलरेडी। ओके ओके, नंबर सीजन्स एक। ओके ओके, सो दिस धूप की दीवार Z5 में है, सजल अली और इनके साथ हैं अहद रजा मीर। कौन है बोलो? ये देखा है हृदय वफा में, देखा है हमने। हाँ, आंगन में देखा है हमने। और इनके रियल लाइफ हस्बैंड भी हैं। अच्छा, ओके आई थिंक बहुत तारीफें सुनने को मिली है इस सीरीज के बारे में भी। ट्रेलर पता नहीं, ट्रेलर तो देखने के बाद पता ही चल जाएगा। तारीफें बहुत सुनने को मिली है एंड थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग अस दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑन दिस, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। एंड आई नो आप लोग कमेंट में बोलोगे कि यार रिएक्शन के बीच में आप ब्रेक लिया मत करो, फोन यूज मत किया करो, इरिटेट होता है, जरूरी था कर दिए। हम हैं अनप्रोफेशनल, क्या करें, हमको माफी दे दो भाई। भैया हमको माफी दे दो। सर शेलिंग बहुत तेज हो गई है सर। पाकिस्तान फैंस, यू नीड 136 मोर रन्स टू विन। इंडिया पुटिंग अप अ फैंटास्टिक शो। ओके, ही इज प्लेइंग इंडियन आई थिंक। मेरे बाबा ने ज्यादा बहादुरी दिखाई, दुश्मनों को आगे बढ़ने नहीं थे। जो संदेश भारत की तरफ से जाना चाहिए था, मेरे पिताजी ने सारा शरीर के पिता को दे दिया। दो शहीदों के बच्चों का पुरजोश टाकरा। हम दोनों दुश्मन है ना, मेरे पापा तुम्हारे बाप की वजह से। दुश्मन को इस बात से डरना चाहिए क्योंकि ये एक विजय मल्होत्रा नहीं था, करोड़ों विजय मल्होत्रा है। मेरे घर में जितना नुकसान हुआ है ना, वो तुम्हारे बाप की वजह से हुआ है। बात लगा दी आपने तो पाकिस्तानियों की और लड़की की, गीदड़ की बेटी को क्या बात सुनाई है इन्होंने। सारा तुम ठीक हो? नहीं। बड़ा ना एक्ट्रेस है। लगता है कि वक्त में सारे मसले इकट्ठे हो, समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या मुझे मेरी कहानी सुना रहे हो? इतने भी बुरे नहीं हो जितना मीडिया पर नजर आ रहे थे। तुम भी इतनी बुरी नहीं हो जितनी मैं शुरू में समझता था। ये जो तुम्हारे और मेरे मुल्क की जंग है ना, उसने बहुत से लोगों की जानें ली होंगी, लेकिन उससे ज्यादा खूनी रिश्तों को सफेद किया। दुश्मन के बेटे से बात कर रही हो, मुझे सुना रही हो कि वो परेशान है। अगर दुश्मन का तो भी तो हमारे जैसे ही है, अच्छे इंसान हो शायद। शायद दुश्मन है वो हमारे, ये कभी मत भूलना। थोड़ी सी मौत हमारी तरफ है, थोड़ी सी हम उनकी तरफ। तेरा और उसका कभी कोई रिश्ता नहीं बन सकता। से यही हो रहा है, कई दहाइयों तक यही होता रहेगा। मौत से आंख मिचौली का खेल कोई तो खत्म करे दादी। सारा प्लीज डोंट बी मैड, वरना इंडिया और पाकिस्तान विल बी वेरी सैड। सारा सारा सारा
What say? You start. I'll check something. What you will check? Okay, thank God the sound was on. I thought the sound is not on. I think interesting concept है. चंपा चंबेली. क्या concept है? समझ में नहीं आया. क्या समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया concept मुझे. क्यों? I don't know. I missed it. I missed it somewhere. I don't know क्या हो रहा था. थोड़ा सा अटेंशन कहीं पे था, डिवाइड हो गया मेरा स्टार स्पेस पे, उस पर तो आई मिस द कॉन्सेप्ट क्या है बोल के. अच्छा, विल वॉच इट अगेन. अब समझो, विल वॉच इट अगेन. सर शेलिंग बहुत तेज हो गई है सर. पाकिस्तान फैंस, यू नीड 136 मोर रन्स टू विन. इंडिया पुटिंग अप अ फैंटास्टिक शो. मेरे बाबा ने ज्यादा बहादुरी दिखाई, दुश्मनों को आगे बढ़ने नहीं थे. जो संदेश भारत की तरफ से जाना चाहिए था, मेरे पिताजी ने सारा शरीर के पिता को दे दिया. दो शहीदों के बच्चों का आपको जोश टाकरा. हम दोनों दुश्मन है ना? मेरे पापा तुम्हारे बाप की वजह से. दुश्मन को इस बात से डरना चाहिए क्योंकि ये एक विजय मुहूर्त नहीं था, करोड़ों विजय मुहूर्त है. मेरे घर में जितना नुकसान हुआ है ना, वो तुम्हारे बाप की वजह से हुआ है. वाट लगा दी आपने पाकिस्तानियों की और लड़की की गीदड़ की बेटी को. क्या बात है, सुनाई है इन्होंने. समझ आया? सारा तुम ठीक हो? नहीं. लगता है एक ही वक्त में सारे मसले इकट्ठे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा. तुम क्या मुझे मेरी कहानी सुना रहे हो? इतने भी बुरे नहीं हो जितना मीडिया पर नजर आ रहे थे. तुम भी इतनी बुरी नहीं हो जितनी मैं शुरू में समझता था. जो तुम्हारे और मेरे मुल्क की जंग है ना, उसने बहुत से लोगों की जानें ली होंगी, लेकिन उससे ज्यादा खूनी रिश्तों को सफेद किया. दुश्मन के बेटे से बात कर रही हो, मुझे सुना रही हो कि वो परेशान है. अगर दुश्मन का तुम भी तो हमारे जैसे ही अच्छे इंसान हो शायद. शायद दुश्मन है वो हमारे, ये कभी मत बोलना. थोड़ी सी मौत हमारी तरफ फेंक के थोड़ी सी हम उनकी तरफ. तेरा और उसका कभी कोई रिश्ता नहीं बन सकता. कहीं दाइयों से यही हो रहा है, कहीं दाइयों तक यही होता रहेगा. मौत से आंख मचोली का खेल कोई तो खत्म करे दादा. धूप की दीवार. सारा प्लीज डोंट बी मैड. दोनों शहीद हो गए. एंड ये इनके ऊपर ब्लेम है, इनके ऊपर ब्लेम जो चलता है ना मीडिया में, द डिबेट्स एंड ऑल दो स्टफ, वहाँ पर इन दोनों का यू नो डिबेट चलता है कि अहद रज़ा मीर इज़ बैंगिंग है, वो वहाँ से ये बोल रही हैं. एंड आई थिंक उस वजह से साजिद अली बहुत ही अंदर से इमोशनल होती जा रही है एंड ऑल दो स्टफ. और दोनों आई थिंक एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आते हैं. कॉन्टैक्ट में आने के बाद एक दूसरे को जानते हैं, जानने के बाद एक दूसरे से उनको प्यार हो जाता है. एंड आई थिंक उसके बाद द थिंग इज कि उनकी फैमिलीज को पसंद नहीं दिस थिंग, ये जो बॉर्डर्स, ये दुश्मन, ये दोस्त, ये सब चक्करों में जो ये दोनों कैसे सफ़र करते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा. आई थिंक दिस इज द स्टोरी. गुड गुड गुड. ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, पता नहीं क्यों ऐसे कट टू कट था बहुत ज्यादा. कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगा तो ट्रेलर जो एडिट किया गया है, इट्स वेरी टाइप ऑफ थिंग कि वो बहुत फास्ट 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 दिखा रहे हैं. स्टार्टिंग के जो सेकंड्स थे, जो से ही क्रिकेट मैच चला वहां तक बहुत स्लो था. क्रिकेट मैच जैसे ही खत्म हुआ, वो सडन डोर ओपन होना, वो बाहर होना, ये छोड़ना, वहां समझ नहीं आया. पेस स्टार्ट हो गया, पेस वहां पर एकदम स्पीड पकड़ लिया उन्होंने, जिसकी वजह से आई थिंक इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि कम वक्त में वो ज्यादा चीजें दिखा दें.
एक्सप्लेन करेंगे क्या आपको देखने को मिलेगा एंड आपको यू नो इसीलिए वो द स्पेस बहुत फास्ट था. ओके, कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग ही है. रिसेंटली जैसे हमने कहा कि चंबा चंबेली उसमें जो ये इंडिया पाकिस्तान का जो ये हिस्सा है ना, कि ये मीडिया ये सब जो होती हैं दिस फेक थिंग्स, इस वजह से ये लोग डिवाइड होते हैं. उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है कि मीडिया की तरफ से ये चक्कर पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से लोगों के जो इमोशंस होते हैं ना वो एक्चुअली वो नहीं होते जो मीडिया पॉलिटिक्स की वजह से चलते हैं, यू नो दिखते हैं. एक्चुअली लोगों के दिल में प्यार ही है एक दूसरे के लिए, लेकिन वो प्यार सामने नहीं आता. आई थिंक वो ही एक प्लॉट है इस फिल्म. आई थिंक ये दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग न्यू. आई थिंक ऐसे बहुत सारे बन चुके हैं, न्यू डेफिनेटली, बट सजर अली ने उसको बेहतर बनाया होगा लाइक एज फार एज आई सी. हाँ वो भी हो सकता है. एंड ऑल्सो आई थिंक इसमें शायद कुछ अच्छा एलिमेंट देखने को मिले हमें, कुछ अलग, क्योंकि जितने हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं ना, दिस इज द थिंग, ये जो आर्मी ये ऑल दो स्टफ ये सब नया कॉन्सेप्ट नहीं है. डेफिनेटली इंडिया में बन चुकी है, वहाँ वही बन चुके हैं. अच्छा धूप की दीवार, मुझे इंस्टा में बहुत लोगों ने बोला था करो बोल के, मुझे अब याद आ रहा है. दो चार लोगों ने बोला था कि Z5 पे अवेलेबल है ये देखो. अ वॉल ऑफ सनशाइन. धूप की दीवार लोगों ने बहुत पसंद किया है एक्चुअली इसे. और IMDb में आई थिंक इसके ऑलमोस्ट 7.4 या 7.5 है इसकी रेटिंग. एंड द स्पेशल थिंग इज के ये दोनों जो रियल लाइफ पार्टनर्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे आपको. ओके, अहद रजा मीर हैव डन अ गुड जॉब इन नाइट ऑफ. अच्छी जोड़ी भी अच्छी है, अच्छी जोड़ी. वो विशाल स्टारकास भी अच्छी है, वो जो इंडियन के स्टारकास. हे डिड यू सी द ओल्ड गाय जो थे? हां वो ने बोलो, वो नहीं पता मुझे. वी सॉ अलीफ का OST. हां अलीफ के OST में देयर इज अ गाय नो वो थे. और जो विशाल जो कि अहद की मॉम का रोल प्ले कर रही है, उनको कहाँ पर देखा हमने बोलो? मैंने उनको, शी इज अ नोन फेस फॉर श्योर. रांझा रांझा कर दी OST, उसमें जो वो व्हाइट कलर में जो सारे पाकिस्तानी है, सारे वो ऑल द पाकिस्तानी आई थिंक. कुछ शायद हमें नहीं, जो नोन फेस थे उनको हम लोगों ने पहचान लिया. उसके अलावा आई थिंक इंडिया से उठाए हैं या नहीं वो तो पता नहीं, बट इट्स Z5 में आ रहा है ये. सो आई थिंक इंडियन स्टार्स को भी यूज किया गया होगा शायद, बट लीड एक्टर्स आर डेफिनेटली पाकिस्तान. बेसिकली जिंदगी का है, जिंदगी वॉज कम्प्लीटली इन टू पाकिस्तानी सिनेमा. जिंदगी जो ना जी का, जी के चैनल आए थे, जी सिनेमा, जी टी वी सब आए थे ना, तो जिंदगी बोल के आया था. तो जिंदगी में कम्प्लीटली पाकिस्तानी ड्रामाज हुआ करते थे. जिंदगी से उन्होंने Z5 ने इंडियन राइट्स लिए, जिंदगी से लिए. जिंदगी में एक्चुअली पाकिस्तानी नहीं था, जिंदगी में तुर्किश था, तुर्किश और पाकिस्तानी था इसमें. शायद कोरियन भी था शायद जिंदगी में, मुझे पता नहीं. लेकिन जिंदगी में तो तुर्किश और ये था, पर्शियन भी था शायद, ईरान तुर्किश और ये था पाकिस्तानी था इसमें. जिंदगी में कम्प्लीटली टीवी चैनल था वो, तो वहाँ से उन्होंने बहुत सारे राइट लिए थे. मैंने खुद सबटाइटल किए हैं बहुत सारे जिंदगी के लिए, वो जिंदगी जो है वो चैनल के लिए बहुत सारे शो तुर्की शोज मैंने किए हैं. तो उसी के राइट्स उन्होंने वहाँ से लिए हैं Z5 में. Obviously, if they have Z जिंदगी के लिए हैं तो obviously Z5 में डाल सकते हैं राइट्स कुछ सावन तक. तो Z5 इसको बिलोंग करता है जितना Z का है. जी आई थिंक Z5 बहुत अच्छा कंटेंट ला रहा है यार, अभी भी ला रहा है. Z5 बहुत फॉर्म में एक्चुअली एक साल से. अभी ऑल्ट बालाजी का नहीं भी साथ मिल गया, ऑल्ट बालाजी हो रही है. ऑल्ट बालाजी का कंटेंट छोड़ दो आप, नहीं इन्होंने दो मिलके अभी आए बिकॉज दे कुड नॉट सर्वाइव अलोन, तो इन्होंने साथ में आ गए. लेकिन राइट नाउ Z5 के पास बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. हाँ Z5 के पास हैं, और Z5 के पास एक मूवी है लैला मजनू. Z5 के पास ही है लैला मजनू. हाँ Z5 के पास ही लैला मजनू. किसी ने नेटफ्लिक्स में डालेंगे तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी पिक्चर वो, लेकिन Z5 के पास ही है अब तक. हाँ, छोड़े नहीं पाकिस्तानी ड्रामास में आई थिंक ये इसमें है. एंड नेटफ्लिक्स ने बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामास अभी अभी आ रहे हैं. जो खानी का हमने रिएक्ट किया था ना OST, वो भी नेटफ्लिक्स में है. अच्छा अच्छा Amazon Prime का आई डोंट नो. अगर Amazon में आई डोंट थिंक सो, Amazon में नहीं है. Amazon इज पाकिस्तान में अवेलेबल है क्या? Amazon होगा नहीं? हाँ पाकिस्तान आई डोंट नो इफ इट्स अवेलेबल ऑर नॉट. आई डोंट नो, नेटफ्लिक्स है शायद, ये नहीं है. ओके नेटफ्लिक्स इज Amazon इज इंटरनेशनल ब्रांड और नेशनल ब्रांड? Amazon इंटरनेशनली है, लेकिन वहाँ पे उस कंट्री में अवेलेबल होना चाहिए कंटेंट. वो Amazon को वैसा है, यू कैन नॉट यूज़ ग्लोबली. उस कंट्री में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसके, ऑफिशियली उनको एंटर करना पड़ेगा. ओके आई थिंक आई डोंट नो अबाउट द पाकिस्तान. जैसे इंडिया में नेटफ्लिक्स पहले नहीं था तो इंटली नेटफ्लिक्स इस्तेमाल नहीं होता, बट इंडिया में इंडिया नेटफ्लिक्स को एंटर हुआ मार्केट में तभी, क्योंकि कंटेंट का प्रॉब्लम है ना. आई थिंक नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में होगा. नेटफ्लिक्स में शायद. Yeah, it was good. Okay, yeah, enjoyed this was a cool trailer. I think लोगों के काफ़ी इंतजार के बाद फाइनली हम लोगों ने किया है. इट्स अ गुड ट्रेलर. आई थिंक द इम्पोर्टेंट पार्ट इज के सजल अली ऑलवेज लास्ट का जो एक्सप्रेशन था उनका, व्हेन शी हैज टीयर्स इन हर आईज़, आल्सो शी इज ट्राइंग टू स्माइल, इट वाज वेरी जेन्युइन. गाइज आई हैव
वॉच्ड अलिफ. देख लिया मैंने अलिफ पूरा. अमेजिंग अमेजिंग शो. आई थिंक ओएसटी जस्टिफाई ही नहीं करता कि क्या शो है वो. इट्स नॉट जस्ट अबाउट ए गुड शो. उसने इतना कुछ है उसमें. इट्स अबाउट दीन इस्लाम एंड यू नो फिल्म मेकिंग वगैरह वगैरह. इतना कुछ डाला है उसमें. शायद अच्छा अच्छा इंसान सुधर जाए देख के वो. वॉच कितने एपिसोड्स हैं? 23 आई थिंक. कितने घंटे? 30 मिनट 35 मिनट्स. किसमें है? यूट्यूब में. यूट्यूब पे क्या? यूट्यूब में. इट्स अ वेरी गुड शो एंड इसीलिए मैंने उनको पहचान लिया कि ही इज प्लेइंग हमजा अब्बासिस ग्रैंडफादर इन अलिफ. और बहुत अच्छा कैरेक्टर है उनका उसमें. उनकी आवाज बहुत स्ट्रांग है यार. बहुत अमेजिंग वॉइस. जैसे हमजा अब्बासी की स्ट्रांग वॉइस है वैसी उनकी वॉइस है. ओके सो यार दिस वाज अवर रिएक्शन ऑन धूप की दीवार का ट्रेलर. आई लव्ड इट. सेम हियर. जाने से फर्स्ट जेल लव फर्स्ट जेल ऑलवेज. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. इसके लिए डिटेल्स हमने दिए. दिस इज मोहन शावीस मोहम्मद इनायत साइनिंग ऑफ.